Failing to plan is planning to fail. All of us know this, but follow कोई भी नहीं करता. So मैं कई सारे students के contact में हूं जो IFSCA की preparation कर रहे हैं. But one thing is common in all of them कि उनमें से किसी ने भी अभी तक study plan नहीं बनाया है. और मैं 90% श्योर हूं कि आपने भी नहीं बनाया होगा. राइट? सही कह रहा हूं. अब स्टडी प्लान क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि स्टडी प्लान अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारे सारे के सारे टॉपिक्स एंड डेट तक कवर नहीं होंगे. सो दैट्स व्हाई आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक डिटेल्ड टाइम टेबल और स्टडी प्लान जिसकी हेल्प से आप अपना स्टडी प्लान क्रिएट कर सको. देखो डायरेक्टली इसको उठा के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट हमें अपने अकॉर्डिंग जो हमारी स्पीड ऑफ लर्निंग है, जितने टॉपिक्स हमें आते हैं, जो उनसे सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट लगते हैं, उसके बेसिस पे अपना खुद का स्टडी प्लान क्रिएट करना है. बट खुद का स्टडी प्लान क्रिएट करने से पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर आप इस वीडियो से ले लोगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो तो आपके पास 4 to 5 hours अ डे तो होते ही होते हैं. राइट? 4 to 5 hours आप डेली निकाल सकते हो. ऑब्वियसली बात है, अगर ज्यादा सो रहे होगे तो उस स्लीप टाइम को रिड्यूस करना है. ज्यादा मस्ती कर रहे होगे, ज्यादा टीवी देख रहे होगे तो उस टाइम को रिड्यूस करना है. बट आई एम श्योर कि आप इजिली 4 to 5 hours तो निकाल सकते हो, क्योंकि मैं भी 9 hours के वर्क के बाद इतना टाइम तो निकाल ही लेता हूं. ठीक, तो उसके बेसिस पे मैंने ये टाइम टेबल क्रिएट किया है कि आप स्पेंड कर रहे हो अपने 4 to 5 hours. हाँ, अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो नॉन वर्किंग है, मतलब आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, तो आप इससे ज्यादा टाइम भी इसकी प्रिपरेशन को दे सकते हो. ठीक, स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली मैंने जो क्रिएट किया है वो किया है 30 days का टाइम टेबल, क्योंकि ऑन एन एवरेज 30 days ही है हमारे पास. अगर एग्जाम डिले भी होता है या डेट होता है तो एक एडवांटेजेस पोजिशन पे होंगे हम कि हमारे पास रिविजन का एक्स्ट्रा टाइम होगा. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो day 1 की बात करें तो day 1 में आपको स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम फाइनेंस से स्टार्ट कर सकते हैं. सर, रीजन बीइंग फाइनेंस इंपॉर्टेंस. फाइनेंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा IFSCA का, क्योंकि जब हमारे पास फाइनेंस के बेसिक्स होंगे तब भी हमें फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स इजीली समझ आएंगे, तब भी हमें फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम्स इजीली समझ आएंगी, तब भी हमें IFSCA से रिलेटेड जो वर्किंग्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो इजीली समझ आएंगी. सो अगर आपको पहले से फाइनेंस आता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज इट. अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो IFSCA की और आपने पहले से फाइनेंस वगैरह नहीं पढ़ा हुआ तो आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे. यहां पे तो ऑलमोस्ट 5 days मैंने दिए हैं फाइनेंस को. राइट? तो ट्राई करना है कि इन 5 days में अगर हम ऑलरेडी जानते हैं तो रिवाइज करें, अगर नहीं जानते तो कंप्लीट करें. अब आप देख रहे होंगे कि day 1 and day 2 में मैंने बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है. रीजन बीइंग दीज टू टॉपिक्स आर आल्सो कमिंग इन अवर phase 2. तो इन टॉपिक्स को आपको डिटेल्ड में पढ़ना है. क्या करना है? डिटेल्ड में पढ़ना है. ठीक, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि phase 2 का जो बैंकिंग है और कैपिटल मार्केट है वो हम डिटेल में पढ़े, बाकी फाइनेंस के चैप्टर्स को हम एक थोरो स्टडी करते हैं.
ठीक। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हमें जो फाइनेंस पढ़ना है अभी टारगेट करना है कि जो आरबीआई का सिलेबस है उस सिलेबस में, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर तो फाइनेंस के क्वेश्चंस है नहीं, सिलेबस है नहीं, तो जो आरबीआई का सिलेबस है पहले हम एटलीस्ट उस टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स को कवर करें, राइट। अगर हम सेबी के स्टूडेंट्स हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं एक्स्ट्रा आरबीआई में, वो हमें जरूर कवर कर लेने हैं, फिनटेक्स हो गए, क्राइसिस हो गए, ठीक। ये 5 डेज में हमें फाइनेंस कवर कर लेना है, प्लस जिसमें बैंकिंग और कैपिटल मार्केट दैट इज अ पार्ट ऑफ Phase 2 Paper 2, ठीक। फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट 5 डेज की ओर। नेक्स्ट 5 डेज हमें उठाना है ESI, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जिन्होंने पहले किया हुआ है तो वो रिविजन करेंगे, एंड रीजन बिंग मैंने सेकेंड नंबर पर ESI क्यों रखा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे जो Phase 1 Paper 2 के हैं वो ESI से ही हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे Phase 1 के Paper 2 में हमारे ESI से। सो दैट्स व्हाई आई कीप इट इन अ सेकंड पोजीशन, फर्स्ट फाइनेंस क्योंकि इंपॉर्टेंट, सेकंड ESI। अब ESI में आपको डिटेल्ड में नहीं जाना, फिर जो टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, पहले इन पे फोकस करना है, इंडियन इकोनॉमी, 5-year plans, इन पे फोकस करना है, राइट। और इंडियन इकोनॉमी में आप 11th 12th की एनसीईआरटी, या फिर सेम बात आरबीआई में जो सिलेबस है आप उसको फोकस कर सकते हो। फिर आता है हमारा 11th डे। 11th डे मैंने दिया है ग्लोबल इकोनॉमी को। ग्लोबल इकोनॉमी में आपका WTO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो सारी आप कर लोगे कवर डे 11 को, ठीक। फिर उसके बाद आता है 3 डेज हमारे मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट में भी सेम पॉइंट, जो सेबी का सिलेबस है आप वो कवर कर लो पहले, एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो आरबीआई का सिलेबस। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप एस्पिरेंट हो, मतलब आरबीआई और सेबी के पेपर ऑलरेडी देते आ रहे हो या उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई रिविजन जरूर कर लेनी है अपने आप को। 30 मार्क खान नहीं समझना कि मेरे को सब कुछ आता है, राइट। रिविजन करने के बाद आप बाकी टाइम जो बच गया किसी और टॉपिक को डिवोट करना, बट रिविजन जरूर कर लेना, ठीक। फिर नेक्स्ट 3 डेज, दैट इज 15, 16, 17, हम देंगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को, जिसमें हमें बेसिक पढ़ना है बिल्कुल अगर हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, नहीं तो जो सेबी का सिलेबस है हम उसको कवर करेंगे या फिर रिवाइज करेंगे। और फिर 3 डेज आते हैं हमारे कॉस्टिंग, सिमिलरली वही बात, कॉस्टिंग में भी सेबी का सिलेबस कवर करेंगे या फिर अगर आता है तो इसकी रिविजन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट 2 डेज हमने दिए हैं, नेक्स्ट 2 डेज जैसे 21 एंड 22, उसमें हम करेंगे यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं और जो ओल्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, वो हम करेंगे डे 21 और 22 को। अब इसमें भी मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप मनीष सर की वीडियोस देख सकते हो और टेलीग्राम में इनके PDFs भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये जो हमारा पार्ट है वो Phase 2 के Paper 2 का पार्ट है, आप Paper 1 में ही कवर, मतलब Phase 1 से पहले ही क्यों कवर करवा रहे हो। द रीजन बीइंग, क्योंकि देखो यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ोगे तो आपको ESI पढ़ने में आसानी होगी, प्लस मतलब ESI से कुछ ना कुछ टॉपिक्स रिलेट हो रहे होंगे, प्लस ये हमारे करंट अफेयर्स का भी पार्ट हो जाता है, प्लस ये एडवांटेज होगा कि जब हम Phase 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके होंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऊपर हमने बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट ऑलरेडी कवर कर लिया, तो ये जो 3rd टॉपिक है हमारा यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसको जो Phase 2 का है वो भी हम Phase 1 से पहले कवर कर लेंगे, ठीक। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरबीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको इन डेज में रिविजन करने हैं। और सेबी के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं किया हुआ सेबी के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है उनको प्रॉपरली पूरा प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट डे आता है हमारे पास 20 20
23rd, 24th एंड 25th. अब ये तीन दिन दिए हैं मैंने क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश को. अब हम सबको याद है कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें सिर्फ हमें स्कोर करना है 30%, राइट? तब भी मैंने तीन दिन क्यों दिए हैं? देखो कई सारे स्टूडेंट्स, अभी मैं जो टारगेट कर रहा हूं, तभी मैं उन्हें बोला कि मैंने टारगेट किया एक जनरल पीपल को. तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वांट में अच्छे नहीं होते सॉरी या जो रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं. तो अगर भी आप उस कैटेगरी में हो जिसमें आपको क्वांट अभी अच्छे से नहीं आता या रीजनिंग में बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे आरबीआई के फेज वन में इसीलिए अटकते हैं. बहुत सारे बच्चे आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आरबीआई के फेज वन में इसीलिए अटकते हैं क्योंकि वो क्वांट रीजनिंग के ही सेक्शन को क्लियर नहीं कर पाते. तो ये ना हो हम एग्जाम हॉल में बैठे और हम इसको क्वालिफाई ही ना कर पाए पेपर वन को. तो इसीलिए मैंने एटलीस्ट 3 डेज दिए हैं. अगर आपका वीक है तो आपको अच्छे से क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कवर करना है. और कैसे करना है, कौन कौन सी बुक्स जो आप यूज कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है, वो सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है. तो इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी वो आई थी रिलेटेड टू बुक लिस्ट, वो ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पे, वो आप देख लेना. उससे होगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो कौन कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हो वो आप इधर से देख लेंगे. फिर इससे पहले जो मैंने शेयर किया था व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि किन टॉपिक्स को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है. क्योंकि अगर यहाँ पे आप कॉस्टिंग पढ़ने जा रहे हो तो कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप 4 महीने भी पढ़ो तो खत्म नहीं होता. या कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बात करें, अगर नॉर्मली बच्चा पढ़ने बैठे तो 2-3 महीने खत्म नहीं होता. अब अगर मैं बात करूं स्कूल या कॉलेज में, तो उसमें से कौन कौन से कंटेंट को इंपॉर्टेंस देनी है वो सारी चीजें मैंने स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी डिस्कस करी हैं. तब भी आप इसको 3 दिन में खत्म कर पाओगे मैनेजमेंट को, कॉस्टिंग को. डायरेक्टली कॉमर्स की बुक लेके बैठ जाओगे, कॉस्टिंग की बुक लेके बैठ जाओगे, 3 दिन तो भूल जाओ, 10 दिन में खत्म नहीं होता. और डिस्पाइट मैं अज्यूम लगा रहा हूं कि आपके पास 3-4 आवर्स ही है और आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, राइट? वापसी आते हैं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कर लेनी है हमें 3 दिन में अगर वीक है. अगर हाँ हमारी अच्छी है तो हमें देखना है 1-2 मॉक्स लगा के, 1-2 टेस्ट लगा के कि सर हमारे जो 30% है वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा. नहीं हो रहा तो चिंता करने वाली बात है. अगर हम 60% ला रहे हैं, देखो इसको भी 30% मत टारगेट करना क्योंकि ओवरऑल लिमिट तो हमारी 40% ही है. तो अगर मैं वो भी लेके चलूं पूरा तो आप इसमें टारगेट ही करो कि 50% लाने ही लाने हैं. आप इसमें टारगेट ही करो 50% लाने ही लाने हैं, ठीक? क्योंकि 40% ओवरऑल लिमिट है, 40% ले लो, एक 10% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि 50% अगर आप के आ रहे हैं 50-60%, तो बेस्ट है आप रिवीजन करने के बाद बाकी टॉपिक्स के ऊपर जो आपके रह गए या फेज 2 के बाकी IFSC वगैरह उन पे टॉप फोकस कर सकते हैं, ठीक? फिर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखो एक बार कवर करने से कुछ नहीं होगा, फिर लास्ट में मैंने 5 डेज दिए हैं रिविजन सेशन को. इन लास्ट डे में जो टॉपिक्स आपने बनाए, जो नोट्स आपने प्रिपेयर करे पढ़े, उन सब की रिविजन करनी है, ठीक? समझ आ गया? ये मैंने आपको डिटेल दे दी कि आपको 30 डेज किस किस वे में बांटना है और कौन सा सब्जेक्ट पहले करना एडवांटेजियस है और नहीं है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो हमारे पास दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 4-5 आवर्स है, राइट? अब 4-5 आवर्स में मैंने करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया ही नहीं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास 4-5 आवर्स है. आपके पास ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं करने भाई, ज्यादा भी उससे कम नहीं करने. तो 4-5 आवर्स में अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप डेली 1 आवर तो करंट अफेयर्स को दो ही दो, करंट इवेंट्स को दो ही दो, गवर्नमेंट स्कीम्स को दो ही दो. इस 1 आवर में आपको क्या क्या कवर करना है, जो करंट इवेंट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, वो आपको इस 1 आवर में कवर कर लेनी है, ठीक? तो डेली बेसिस पे आप 1 आवर करके आप इसको कवर कर लीजिए. अब मैंने एक ही दिन में क्यों नहीं दिया, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एक बार में सारा करंट अफेयर याद करना मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए डेली अगर आप 1 आवर देंगे करंट अफेयर को तो आई थिंक वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक? हाँ अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 1 आवर से भी ज्यादा दे सकते हो,
ठीक, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स जरूर कवर करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, 3 to 5, तो वो आप इतने ड्यूरेशन के करंट अफेयर्स कवर करो, और स्पेशली जो फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक, अब एक और चीज, ये तो हो गई हमारी, बाकी बचा हुआ अगर आप 1 आवर दे रहे हो तो बाकी बचे हुए 3 to 4 आवर्स आपको जो हमने टॉपिक ऊपर डिस्कस करे उसमें देने हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक, मॉक से हमें चलता है हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट है कि अगर हम डे 15 क्रॉस करेंगे कि जैसे हमने फाइनेंस कवर कर लिया, ESI कवर कर लिया, ग्लोबल इकोनॉमी पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चाहे अभी नहीं भी पढ़ा, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े थोड़े मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट लगाने से होगा क्या, हमारे पेपर 1 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, फेज 1 के पेपर 1 की, और पेपर 2 में जो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए और करंट अफेयर भी 1-1 आवर कर रहे हैं, तो वहां से हमारी साथ साथ रिविजन भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मॉक भी लग रहे हैं, रिविजन भी हो रही है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक, उधर से हम अपने आप को इवेल्युएट भी कर पाएंगे, अपने आप का एनालिसिस भी कर पाएंगे, तो ये काम करना है। बट हाँ, मेरे को ये लगता है कि 15 तारीख से पहले नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मेन मेन टॉपिक कवर नहीं करोगे तो फिर आपको लगेगा ये तो करा ही नहीं, कोई नहीं, मॉक टेस्ट में छोड़ते रहते हैं। जब मेन टॉपिक कवर करोगे तो यू कैन एनालाइज कि हाँ भाई ये टॉपिक्स गलत हो रहे हैं अभी, तो इनमें वर्क करना है, ये ठीक हो रहे हैं तो ठीक है। ठीक, समझ आ गया। करंट अफेयर्स भी आप बहुत सारे कवर कर चुके होंगे। फिर हमारे पास आती है लास्ट चीज, अब वीकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये फेज 2 का पार्ट है। राइट, अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है, कई सारे बच्चों ने, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि ऑल ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई नाउ, और एक और गुड न्यूज जो बताई थी मैंने शॉर्ट्स के थ्रू कि अब हमारी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है, याद रख लेना, पहले 3 मार्च लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, तो 15 मार्च है, और all graduates and masters can apply, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब करो, फॉर्म जरूर फिल करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब आपसी आते हैं वीकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, अगर आपकी वीक है या बिल्कुल ही आपने वीकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं करी है, तो आपको जब भी आपका सैटरडे संडे हो, देखो बहुत सारी कंपनीज में सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, अगर हम MNCs वगैरह में वर्क कर रहे हैं, तो उन सैटरडे संडे को आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। उन सैटरडे संडे को आप क्या कर सकते हो कि एक बार वीकली राइटिंग भी, वीकली टेस्ट भी, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस भी जरूर करनी है, कर सकती हो, नहीं अगर नहीं करी तो करनी है। ठीक, तो यहां से भी आपकी फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब एक और चीज फिर से बता दूं, ये सारा प्लान मैंने क्रिएट करा है। राइट, तो मैं कुछ अजम्पशंस लेके चलता हूं कि ये बच्चे को आता है, ये नहीं आता। अब आपकी कंडीशन अलग हो सकती है, आपकी लर्निंग स्पीड अलग हो सकती है, आपका स्टाइल अलग हो सकता है, आपके अपने वेज हो सकते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल जरूर क्रिएट करना है। ठीक है, आप इस पूरे टाइम टेबल की हेल्प लेंगे और उसके थ्रू अपना एक 30-day स्ट्रेटेजी, अपना 30-day प्लान बनाओगे, जिसमें लिखोगे कि हाँ भाई ये टॉपिक्स मेरे को एटलीस्ट कवर करना है। देखो जब टाइम टेबल होता है ना, तो माइंड को पता होता है कि हाँ भाई हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि इतना कवर करना है। अगर हम टाइम टेबल नहीं क्रिएट करते ना, हमें लगता है बहुत दिन हम स्लोली पढ़ते हैं, फिर जैसे एग्जाम्स पास आते ना, हमें लगता है बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, फिर जहां हम एग्जाम क्रैक कर सकते थे ना, हम अपनी उम्मीदें ही छोड़ देते हैं और छोड़ते हैं कि छोड़ो एग्जाम क्या देना, ऐसे टाइम पास के लिए दे आते हैं। तो इट्स बेटर अभी ही, आज ही हम ये टाइम टेबल क्रिएट करें। ठीक, समझ आ गया। अगर और कोई भी डाउट हो, यू कैन कंसल्ट मी ऑन द टेलीग्राम और यू कैन कॉल अस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।